ओके, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, माय बेस्ट फ्रेंड। आप सभी को पता होगा कि हमारे बेस्ट फ्रेंड वो होते हैं जिनसे हम शेयरिंग करते हैं या जिन पे हम बहुत ट्रस्ट करते हैं, वो होते हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड। तो हमारा चैप्टर भी यही है कि हमारे बेस्ट फ्रेंड कैसे होते हैं। ओके, रीड दिस स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल हु हैज़ फन विथ हर फ्रेंड। हमारी जो स्टोरी है वो लिटिल गर्ल की है, हु हैज़ फन विथ हर फ्रेंड, वो अपनी फ्रेंड के साथ फन कर रही, इंजॉय कर रही है। ओके, आई हैव अ फ्रेंड, शी लिव्स इन माई हाउस। आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक फ्रेंड है, शी लिव्स टू माई हाउस, वो कहाँ रहती है, मेरे हाउस में। वैन आई एम हैप्पी सो इज़ शी, मैं बहुत खुश रहती हूँ जब वो मेरे पास होती है। ओके, नेक्स्ट, वैन आई क्राई शी क्राइज टू, मैं रोती हूँ, वैन आई क्राई शी क्राइज टू, जब मैं रोती हूँ तब वो रोती है। बट आई कैन नॉट हीयर हर वॉइस माई फ्रेंड लीव्स इनसाइड द मिरर। माई फ्रेंड लीव्स इनसाइड द मिरर बट आई कांट हीयर हर वॉइस, मैं उसकी आवाज़ नहीं सुन सकती। माई फ्रेंड लीव्स इनसाइड द मिरर, मेरी फ्रेंड कहाँ रहती है, मिरर के अंदर। कम आउट आई टेल हर वी विल प्ले। कम आउट आई टेल हर, मैं हमेशा उससे बोलती हूँ कि तुम इससे बाहर आ जाओ, वी विल प्ले, हम खेलेंगे। शी डज नॉट कम आउट बट वो नहीं आती है। आई एम नॉट हैप्पी आई गो टू स्लीप, मैं खुश नहीं हूँ, आई गो टू स्लीप, मैं अब सोने जा रही हूँ। She comes out of the mirror when I am sleeping. वो मिरर से बाहर आ जाती, आई एम स्लीपिंग, जब मैं सो जाती हूँ। वी हैव अ लॉट ऑफ फन, फिर हम बहुत सारा इंजॉय करते हैं। वी प्ले रन शाउट एंड स्क्रीम टुगेदर। जब वो मैं सो जाती हूँ तब वो मिरर से बाहर आ जाती है, तो हम बहुत प्ले करते हैं, रन करते हैं, शाउट करते हैं, स्क्रीम में से होता है चिल्लाना, चिल्लाते हैं हम, शाउट मतलब शोर मचाना होता है, तो हम बहुत मस्ती करते हैं ऐसे। When I talk to her, she also talks to me. जब मैं उससे बोल कुछ बात करती हूँ, शी ऑल्सो टॉक्स टू मी, वो भी मुझसे बात करती है। बट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड विल गो बैक इन टू द मिरर। इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड विल गो बैक इन टू द मिरर। जब मॉर्निंग होती है तो मेरी फ्रेंड मिरर के अंदर चली जाती है, विल गो बैक इन टू द मिरर, मिरर के अंदर चली जाती है। But I do not mind at all means सब चीज़ों को mind नहीं करती है। We will play again in my dream है ना, जब मैं next day फिर sleeping करूँगी तो वो again मेरे dreams में आ जाएगी और मेरे साथ play करेगी। तो देखो story को मैं एक chapter को मैं एक story के meaning में आप सभी को बता देती हूँ। चैप्टर को पूरा मैं एक स्टोरी के तो आप सभी को बता देती हूँ कि एक लिटिल गर्ल होती है जो बहुत छोटी होती है, उसे अभी फ्रेंड की नीड रहती है। तो जब भी वो मिरर के सामने जाती है, मिरर का मीनिंग होता है कांच, जब भी हम कांच के सामने खड़े होते हैं तो हमें एज इट इज़ हमारी जैसी कॉपी दिखती है उसके सामने। तो वो लिटिल गर्ल है तो वो जब भी मिरर के को देखती है तो उसे अपने जैसी गर्ल दिखती है, तो उसे अपना फ्रेंड बना लेती है। तो बोलती है मेरी फ्रेंड है जो मेरे साथ रहती है मेरे हाउस में, जब मैं हैप्पी होती हूँ तो वो भी मेरे साथ हैप्पी होती है, जब मैं क्राई करती हूँ तब भी वो मेरे साथ क्राई करती है। बट आई कांट हियर हर वॉइस, वो जो भी बोलती है मुझे सुनाई नहीं देता है ना, मिरर के बाहर हम जब भी बोलेंगे ना तो सुनाई नहीं देता हमको।
तो वो बोलती कि ऐसा होता है बस, बट वो उस मिरर के अंदर रहती है, वो उस मिरर के अंदर रहती है। मैं उससे हमेशा बोलती हूँ कि तुम बाहर आ जाओ, बट वो नहीं आती है ना। फिर जब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि जब मैं सो जाती हूँ तब वो मिरर के बाहर आती है ना। तो मिरर के बाहर आने के बाद वो मेरे साथ प्ले करती है, रन करती है, शाउट करती है, स्क्रीम्स करती है वो मेरे साथ। बहुत फन, हम वो दोनों बहुत इन्जॉय करते हैं। बट वो इन्जॉय कहाँ करती है, जब वो स्लीपिंग कर लेती है तो उसके ड्रीम्स में आती है। उसे ऐसा लगता है कि मेरी फ्रेंड जो है मेरे ड्रीम्स में आ गई, मेरे सपनों में आ गई। ड्रीम्स का मीनिंग होता है सपने, जब हम सो जाते हैं उसके बाद हम बोलते हैं ना हमको आज सपने में ऐसा दिखा है या वैसा हुआ है, उसको बोलते हैं ड्रीम्स। तो वो ड्रीम्स होते हैं, तो वो उसके ड्रीम्स में वो आती है और उसको बहुत खुश कर जाती है। फिर जब मॉर्निंग होती है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है, तो बोलती है कि मुझे कोई ऐसा नहीं लगता है कि मैं उन चीज़ों को माइंड नहीं करती हूँ कि वो वापस चली गई है, बट जब मैं फिर से स्लीपिंग करूँगी तो मेरे ड्रीम्स में आ जाएगी। ओके, सो आवर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड।